छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट एलिट ग्रुप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर अपना दूसरा मैच भिला ई के विरुद्ध रायपुर के RDCA मैदान में खेला जा रहा है। क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव विंटेश अग्रवाल ने बताया, भिलाई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 77 रन पर आउट हो गई थी, जिसके जवाब में बिलासपुर ने अपनी पहली पारी में 299 रन बनाए थे और 222 रनों की बढ़त भी बना ली थी। इसके पश्चात दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भिलाई ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। आज दिन 8 अप्रैल को भिलाई ने 91 रनों से आगे खेलते हुए आज के दिन मात्र 19 रन ही जोड़ पाए और 41.5 ओवर में 110 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। आज के दिन भिलाई की ओर से बल्लेबाजी करते हुए नीलेश कुशवाहा 5 रन और शुभम सिंह 5 रन का योगदान दिया। वहीं बिलासपुर की ओर से आज के दिन गेंदबाजी करते हुए देवेश यादव ने 23 रन देकर 3 विकेट और आदित्य श्रीवास्तव और चौधरी मोहम्मद दानिश उजामान ने 1-1 प्राप्त किए। इस तरह बिलासपुर ने भिलाई को पारी और 112 रनों से हराया और साथ ही बोनस अंक के साथ 7 अंक अर्जित किए। साथ ही दोनों मैचों को मिलाकर बिलासपुर के 13 अंक हो गए हैं और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। बिलासपुर का तीसरा लीग मैच रायपुर के RDCA मैदान में कोरबा के मध्य 10 अप्रैल 2022 को खेला जाएगा।